तो स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपके साथ आयुष। दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं कि अवैध खनन या माइनिंग ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसको किस तरीके से रोकना है प्रदेश के अंदर, इस पर लगातार आप देख रहे हैं कि सरकार काम कर रही है। बहुत सारे पीछे भी आपने देखे हैं कि जो अवैध तरीके से जो माइनिंग हो रही थी उस पर लगाम लगाने के लिए बहुत सख्त कदम भी उठाए गए थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसमें और डेवलपमेंट क्या हुआ है और कैसे ये जो अवैध खनन है या ये जो माइनिंग है उनको रोका जाएगा, इसका प्लान क्या है और इसको लेकर के अभी किस स्तर पर जो काम है वो हो रहा है, ये थोड़ा आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले अरावली का जो क्षेत्र है, खासतौर से अरावली वाला जब क्षेत्र आप बात करते हैं तो ये गुड़गांव मानेसर और इस तरफ या फिर जो राजस्थान की सीमा तक जाता है, ये जो पूरा इलाका है ये अरावली वाला, जहाँ पर माइनिंग एक बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ पर आप देखते हैं कि पूरे के पूरे पहाड़ आपने देखे हैं कि किस तरीके से अवैध तरीके से पहले माइनिंग हुई और उसके बाद जो पूरा इको सिस्टम है उससे ख़राब हुआ। हालाँकि बाद में इसको जब एक तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया तो उसके बाद कुछ हद तक इस पर अंकुश लगा और अब लगातार आप जो भी उसके बाद सरकारें आप देख रहे हैं कि सत्ता में आई, उन्होंने कोशिश करी है कि अरावली की जो रेंज है वहां पर जो अवैध माइनिंग है, जो खनन है, उस कार्य को रोका जाए और अब इस पर अंकुश लगाने के लिए और भी सख्त जो निर्देश हैं वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दिए जा रहे हैं और इसको लेकर के अभी हाल फिलहाल में डेवलपमेंट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कुछ हुई है जिसमें अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और संबंधित जिला उपायुक्तों को सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन का उपयोग करके जो निगरानी तंत्र है उसको और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि एक तरफ तो आप जो ग्राउंड पर जाकर के आप देखें या वहाँ पर जो भी फोर्स आप लगा सकते हैं या फिर जिस भी तरीके से आप उसको रोकने के आपके पास जो इंतज़ाम है वो तो आप करें, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी का भी सहारा आप इसमें लें ताकि ये जो अवैध माइनिंग हो रही है उस पर आप अंकुश लगा सकें और उसका एक एग्जैक्ट डाटा आपके पास में हो और इसलिए इसमें ड्रोन का इस्तेमाल या इस तरह की जो टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया है। और अब ये जो नई टेक्नोलॉजी है उससे अरावली का जो क्षेत्र है, हाँ, एक तरीके से वहाँ पर जो निगरानी करना है वो थोड़ा आसान होगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या प्रशासन के सामने यही होती है कि कैसे वो चूंकि इस तरह के इलाके हैं और अरावली जो कि पहाड़ी वाला पूरा इलाका है तो इसलिए हर एक एक जगह पर जाकर के उसको फिजिकली चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है या कठिन होता है, लेकिन ड्रोन से ये चीज़ें बड़ी आसान होने वाली हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये जो नई टेक्नोलॉजी है उससे जो पुलिस है उसको भी सहायता मिलेगी और दूसरा यह है कि ये जो खनन है या जो अवैध तरीके से माइनिंग हो रही है उस पर भी अंकुश लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।